अभी सुबह हो गई है, ये देखो ये रहा हॉट पूल, मस्त भाप उठ रही है अभी भी। ये देखो आसमान साफ हो गया, आज स्नोफॉल के चांसेस कम रहेंगे, धूप निकलेगी। अभी हम लोग यहाँ पर पूरी रात भर में बर्फ जो जम गई है गाड़ी में वो साफ कर रहे हैं। कहाँ गए मोनिश? मोनिश देखो एक से एक गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये रही किया की फोर्टे, हाँ क्राइसलर है ये खड़ी है, कैडिलैक ये खड़ी है, डॉज की चार्जर, हाईलैंडर, टक्सन, ब्रोंको, ये हमारी डॉज की कैरावान। ये देखो कितना सुंदर, हम लोग बस निकल के आए थोड़ा सा, ये मार्केट एरिया है कैनमोर का। अभी ये वाली शॉप कैनमोर कन्वीनियंस स्टोर जो है ये ओपन है, इसी से हम लोग जाके वो ले लेंगे। मेरी क्रिसमस। ये क्रिसमस ट्री पूरा ऐसे बना हुआ है, लाइट्स चलती रहती है उसमें। तो हम लोग अभी वापस से $40 का पेट्रोल डलवा रहे हैं। व्यू देखो, अभी सनराइज होने वाला है तो आसमान सीधे अभी ऑरेंज होना शुरू हो गया है। ये आप मेरे पीछे जो उस तरफ जो पहाड़ देख रहे हो उस पर एकदम टिप पे ऑरेंज है। आसमान अगर साफ रहा तो काफ़ी कुछ हो पाएगा, रात में नॉर्दर्न लाइट्स देखने भी जाएंगे अगर किस्मत बहुत ही अच्छी रही। ये देखो अब ये रास्ता, कल तो रात में आ गए तो दिखा नहीं पाए थे, बट ये है जहाँ हम रुके हुए हैं उसका रास्ता ये है। ये वाले जो कॉटेजेस आ रहे हैं इसमें से ही किसी एक का दरवाज़ा, हमारे वाले कॉटेज का दरवाज़ा भी यहीं कहीं खुलता है। थार जीप वहाँ पे पार्किंग नहीं है, देखो सामान ज़्यादा क्या रखना है आज। सो वी आर ऑल सेट फॉर लेक लुई। मैरी क्रिसमस एंड वी आर गोइंग टू लेक लुई। ये जो आप सामने बस देख रहे हो ये रोम ट्रांजिट बस यहाँ चलती है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हो कैलगरी होते हुए तो यहाँ पर लोकल घूमने के लिए ये है, इसका एक ऐप होता है उसके थ्रू ही आप ऑनलाइन इसकी टिकट परचेज करके वो स्कैन करा के इसमें जा सकते हो। किलोमीटर 80-85 किलोमीटर का, 83 किलोमीटर, और सिर्फ 50 मिनट की ड्यूरेशन लगती है क्योंकि हाईवे बहुत अच्छा है और ट्रैफिक है ही नहीं। ट्रैफिक नहीं है, स्नो के बाद भी, स्नो स्टॉर्म कल जो हुआ उसके बाद भी इतना बढ़िया था कि आराम से आप 110 की स्पीड पे इजीली आ सकते हो। ये फेयरमॉन्ट होटल यहाँ का, विंटर ट्रेल है वो, क्या है स्कूटर लेके खड़ी है क्या? आओ देखते हैं यहाँ क्या है। यहाँ से एक्चुअली यहाँ से पूरा फेयरमोंट का व्यू दिखाई देगा आगे से, लेट्स गो चले। स्नो शू के लिए होता है, दो ट्रेल्स जा रही हैं, एक यहाँ तीन जा रही है, 1, 2, 3, तो ये वाला ही लेते हैं पहले। यहाँ से फेयरमोंट शायद ऊपर चलते हैं। I'm wearing two layers.
you're going to be wet. I warned you of that. You're a very brave woman. Thanks. Merry Christmas. पूरी बर्फीली सी ट्रेल गई हुई है, इसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ लेके जाती है। जो लोग जा रहे थे उनसे पूछा हम लोगों ने ये भी कितना बाकी है, तो वो तो बोले कि आप लोगों ने आधा पार कर लिया है। बड़े सुनकर खुशी नहीं हुई हमें, हम सुनना चाहते थे कि बस पहुँचने वाले हैं, पहुँच ही गए। पसीना हो गया, ये हटाना पड़ेगा। तो भाई एक घंटे करीब चलने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं इस व्यू पॉइंट पे, और ये पूरी लेक लुइज़ जहाँ पर अभी सब नीचे लोग थे उसमें अभी आइस स्केटिंग या कुछ तो कर रहे हैं, खेल रहे हैं फ्रोजन लेक में वो, और फेयर माउंट होटल आपको अभी दिख रहा होगा, अभी अच्छे से भी दिखाएंगे। रुको जरा सब्र करो। यूट्यूब पे भी लोग देखते हैं, वही देखना था। एक घंटे की चढ़ाई के बाद आ तो गए, मज़ा आया, बहुत ही सुंदर दिख रहा था होटल और लेक। गर्मियों के टाइम पे भी क्या ही लगता होगा यार, ये थोड़ी चढ़ाई शुरुआत में है, उस बार ढलान ही ढलान रहेगा, भागते चले जाएंगे जल्दी से। पसीना हो गया एकदम, हम लोग अब आ गए नीचे। पहले इसमें स्वेट आया हो, फिर सारा पानी एकदम जम गया। क्या है उस माउंटेन का नाम? पता नहीं, कैनमोर में भी थे, वहाँ से भी दिख रहा था। इट्स अ वेरी ह्यूज माउंटेन, जो कि हम हर जगह से ऑलमोस्ट इस बेंस के पूरे एरिया से हम लोग स्पॉट कर पा रहे थे। छोटे छोटे यहाँ दो तीन चार माउंटेन है, एक है माउंट रेंडल, फिर माउंट सल्फर माउंटेन है, और माउंट नॉर्क्वे जो जहाँ गाड़ी जाती है ना, अब पता नहीं ये वाला कौन सा है। एकदम आज कलरफुल बन के आई हूँ क्रिसमस के वजह से। गोविंदी गोविंदी नहीं, इट्स माय स्टाइल, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं। कितनी अच्छी कार्विंग की गई है उस पे, कार्विंग भी की हाँ, गई है। आइस कासल है ये पूरा। अगर मैं इसको लिख करूँगी तो मेरी जीभ स्टक हो जाएगी। हाँ। क्या बोलते हैं इसे? टैबोगिनी। अर्शिन अपना कासल बना रही है क्या? टैबोगिनी स्लेजिंग। हम लोग अभी जहाँ पर गए थे जो व्यू पॉइंट था वो देखो, ये तो पूरी लेक हो गई, इस तरफ पूरा होटल है, और ये अगर मैं पहाड़ पे जाऊँ ये रहा, हम यहाँ गए थे उधर से दिखेगा मेरे को यहाँ। हाँ जाओ जाओ स्लोप पे तो जाओ, और ऊपर से आना हो तो और ऊपर से भी आ सकते। हमारे मोहनीश भाई टैबोगिनी करने गए हैं।
हाँ जा जाएगी, यही थोड़ा पाउडर है आगे तो बच गए क्या? मुझे वो एलिवेशन का डर लग रहा है, वहाँ पे एलिवेशन है। ये वॉशरूम्स हैं यहाँ के, और थोड़ा जल्दी करो बस निकलते हैं यहाँ से फटाफट लेक देखने। यहाँ पर ऐसे तो तमाम लेक्स हैं, ये कौन सा लेक यहाँ पर है, पेटो लेक, तो वो बिल्कुल अगर आप ऊपर से देखोगे तो स्टार के शेप की है, बहुत ही ज़्यादा स्नो है। एक बार को लगा गाड़ी फंस जाएगी लेकिन फंसी नहीं लकीली, और हम लोग आ गए हैं। हर तरफ ऐसे बहुत ब्राइट माउंटेंस हैं, सनसेट हो रहा है। बर्फ से रास्ता पार करते हुए 6 जाबाज निकल चुके हैं नई लेक की खोज में। पंद्रह मिनट चलना पड़ेगा। यार तुम भी वहीं फंस जाओ, वहीं फंस जाओ जाके, वहीं जाके जान बचाओ। जन्नत में हम लोग आ गए हैं, पेड़ो लेक। आ गए हम लोग व्यू पॉइंट पे, धूप भी है लकीली। ये देखो स्टार, ये रहा वो स्टार फिश, और ये पूरी लेक सिर्फ हमारी है, अभी मेरी और पूजा की है, कोई नहीं है यहाँ पर। हम हैं और सनसन रेज हैं। मैरी क्रिसमस। गाड़ी के पास वापस, यहाँ से निकलेंगे बैंक टाउन, एक बार देखना है, अभी देखा नहीं अच्छे से, वहाँ थोड़ा रुकेंगे। एक व्यू है वहाँ पर एक्चुअली, लेफ्ट और राइट साइड में शॉप्स या घर कॉटेजेस जो भी होते हैं वो होते हैं, बिल्कुल मिडिल में रोड के एंड पे बहुत बड़ा सा पहाड़ दिखाई देता है, वही देखने का मन है अभी तो। हम लोग वो जगह पर आ गए हैं जहाँ पर आइकॉनिक ये बैंक का साइन बोर्ड टाइप का है, फोटोग्राफी वाला स्पॉट है ये। भाई भी चलेगा, देखो दूसरा कुछ ऑप्शन है, समथिंग अच्छा सा स्पाइसी सा नहीं है क्या? देखो पानी है तो वहाँ पे फॉल्स रहेगा। यहाँ पर बो रिवर बहती है, लकीली वो अभी टोटली फ्रोजन नहीं है, थोड़ा फ्रेश करो। मेरे ख्याल से बो फॉल्स भी फिर होगा ना, ये बो फॉल्स, अच्छा यही है क्या? अच्छा वो रहा, देखो ये छोटा सा वाटरफॉल है यहाँ पर, जो गर्मियों में काफी पूरा होता है, ये वहाँ पर सिर्फ इतना पिघला हुआ है अभी। हाँ वो वाला फ्रोजन नहीं है, ये वाला फ्रोजन। हाँ मुझे रात में पानी को देखने से बहुत डर लगता है, ये रात में पानी पीती तक नहीं है, डर सा लगता है। ये तो मेरे को उसकी याद आ गई, जंस्कर रिवर पे वो कौन सा चादर ट्रैक जो होता है, हाँ 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 राइट, और इस पानी के जस्ट बैकड्रॉप पे ये रहा फेयरमोंट होटल, ये रहा। इधर तो नहीं रहेगा, ये फुल रहेगा अभी, उसमें भी डाउनटाउन करके लिखा है। अभी देखना यहाँ पर आएगा।
अभी तक देखो ये बैंक की कितनी रॉयल प्लेस है, ये बहुत अमेजिंग होटल है, फेयरमोंट है, और इतना अमेजिंग लग रहा है मेरा। ये सब मैंने सिर्फ लिटरली मूवीज में देखा है यार। ये इतना खूबसूरत स्टोर, फूड स्टोर, शॉपिंग स्टोर, एंड देन दिस गेट, ओ अमेजिंग यार। और क्रिसमस डेकोरेशंस का तो कोई जवाब नहीं है, देखो कितना ब्यूटीफुल है वो पूरा स्ट्रीट। बटन सोनी, आ चलो जल्दी चलते हैं, अभी कुछ खाते हैं। हाँ यार भूख लग रही है ना यार, चलो खाते हैं, चलते हैं डाउनटाउन एक्सप्लोर करने। समोसा $4 खाना मंगाते हैं। What you are having? समोसा दिल्ली वाली आलू टिक्की चाट। गुड मॉर्निंग, ये वाला कॉटेज जो था वो था हम लोगों का, और सुबह सुबह मैं थोड़ा ऐसे वॉक करने निकल लिया क्योंकि अभी हम लोगों को बस वापस निकलना है यहाँ से, बैंफ होते हुए जाएंगे। बट ये कैनमोर इतना ज़्यादा सुंदर है, मैंने कहा एक बार वॉक कर लेता हूँ ऐसे ही, पता नहीं अगली बार कब ऐसी सुंदर जगह देखने को मिले। हालांकि मौसम थोड़ा अभी क्लाउडी हो गया है, नहीं तो अभी ये सारे माउंटेन पीक्स वगैरह सारे दिख रहे होते, वो बहुत ही सुंदर है यार ये कॉटेजेस और ये स्नो। देखो भाई क्या 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 कहते हैं उसे, कंचा व्यू, कंचा व्यू आ रहा है भाई, गजब। क्या मतलब, क्या है मतलब, जैसे ड्रीम से निकली हुई कोई जगह होती है ना, वो है ये। हम लोग यहाँ पर बगल में ही, इसी चर्च के बगल में ही एक रिवर है जो कि ऑलमोस्ट फ्रोजन है, पर थोड़ा सा पानी उसमें बह रहा है, वहाँ जा रहे हैं। मतलब भाई ऐसे लोकेशंस की तो यहाँ कमी नहीं है। ये मुंडी चलो चलो मुंडी दिखाते हैं, बता दो मुंडी के ऊपर। ये आ गया ब्रिज, और अंग्रेज कहाँ घूम रहे हो? अरे गया, इतना ऊपर हो गया, हम लोग को कूटी के ऊपर चढ़ना पड़ता था। अच्छा स्लो हो गया। I don't know. ये है माउंट नॉर्कवे, और यहाँ से उस साइड अगर आप देखो तो आपको पूरा ये बैंफ टाउन दिखाई देगा, और एकदम वो देखो फेयरमोंट होटल दिखाई दे रहा है बैंफ का लाल वाला। ओह यस ओके, अभी ज़ूम ले। ओह वेंसडे नाम है इसका। हम लोग वापस से बैंड में आ गए हैं, और कल रात में आपने देखा होगा तो कुछ खास समझ नहीं आया। अभी ये वही जगह है जहाँ कल पार्क की थी गाड़ी, चल के देखेंगे दिन में एक बार फटाक से, देख के आएंगे जल्दी से। शी कैन क्लिक, अब हम फाइनली वो स्पॉट पे आ गए हैं जो हमने हमेशा इंस्टाग्राम पे देखा है, एंड दैट इज
का जो व्यू हमेशा से देखना चाहते थे, जो कैप्चर करना चाहते थे, देखा तो बहुत है फोटोज इंस्टा पर, वो कर लिया हम लोगों ने। अब हमारे ये लाइफ की सबसे डिफरेंट ट्रिप, उसको अब करते हैं एंड, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो तक के लिए।